हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गेस व्हाट, आज मैं किस चीज़ का रिव्यू देने वाली हूँ। मेरे पास है हेड थ्रेडिंग सिस्टम। जिन लोगों को खुद से थ्रेडिंग करना नहीं आता है, उनके लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया है, हेड थ्रेडिंग सिस्टम। जनरली पार्लर वाली करती है थ्रेडिंग, या कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने खुद ही थ्रेडिंग करना सीख लिया होता है, बट मुझे नहीं आता है थ्रेडिंग करना। तो मुझे ये अमेज़ॉन पर मिला, मुझे लगा यूज़फुल होगा, इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। ये 199 रुपीज़ में मैंने परचेस किया है अमेज़ॉन से। आपको भी मिल जाएगा, जस्ट हेड थ्रेडिंग सिस्टम आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे उसमें, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं बताती हूँ कैसे काम करता है, इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं सब कुछ बताऊँगी इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो थ्रेडिंग सिस्टम है, इसमें ये थ्रेड यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे 10 थ्रेड दिए हुए होंगे आपको, ये 10 थ्रेड और दिए हुए हैं। बाई चांस अगर एक टूट जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। इसमें जस्ट जो अपना मैनुअल थ्रेडिंग सिस्टम होता है, मैनुअल जो हाथ में अपन थ्रेड्स बनाते हैं, फिर उसमें वायर प्लंक फंस के फिर प्लंक होता है, वैसा ही इसमें होता है। इसमें जो ये थ्रेड्स बने हुए बीच में, तो जब हम ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रोक मारते हैं तो बाल इस थ्रेड्स में फंस जाता है, और जब हमें ऐसे आगे की तरफ पुश करते हैं तो इसमें फंस के वो प्लंक हो जाता है, ठीक है। जस्ट वैसा ही सिस्टम है, बट डिफरेंस है दोनों, जो हम खुद से करते हैं और जो इसका है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो पकड़ है वो इतनी मजबूत नहीं है, जो हम थ्रेडिंग करते हैं उससे बहुत जल्दी, जैसे अगर मैं एक स्ट्रोक यहाँ पर मारूंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो वन स्ट्रोक में सारा कवर कर लेगा, आपको उसी जगह पर 2-3 बार स्ट्रोक मारने पड़ेंगे, तब जाके इसमें बाल फंसेंगे और निकलेंगे, फेशियल हेयर निकलेंगे। जबकि हम मैन्युअली करते हैं तो अपना बहुत अच्छा पकड़ रहता है और तुरंत प्लंक हो जाता है। दूसरा, ये बड़ा स्लो है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। अगर पेन टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है तो आप इसको प्रिफर कर सकते हैं, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। जब मैन्युअली करते हैं वो बहुत फास्ट होता है, तो टाइम ड्यूरेशन कम होता है, तो उसमें इतना रियलाइज़ नहीं होता है। पेन तो उसमें भी होता है, बट इसके कंपेयर में उसमें कम होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। मैंने आज ही अपर लिप्स बनाए हैं, मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं, तो इसमें पेन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा कि इसमें भी है ना, ये जो थ्रेड है उसको टाइट करने का भी ऑप्शन दे रखा है। ये जो आप देखोगे ना, ये बटन, ये इसको इस तरफ से आप थोड़ा पुश करोगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, बट इतना भी टाइट नहीं होता, ये हमेशा लूज रहता है, तो स्ट्रोक में फंसता नहीं है बाल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप खुद सीख लीजिए सेल्फ थ्रेडिंग, या फिर पार्लर से करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये अभी मैंने परचेस कर लिया है, तो सम टाइम्स मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि रिटर्नेबल नहीं है। परचेस करें तो ज़रूर देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट रिटर्नेबल है कि नहीं है। ये रिप्लेसमेंट का ऑप्शन था इसमें, और मुझे इतना, मैंने इतने वीडियो देखे, लोग इतना अच्छा कमेंट कर रहे थे अमेज़ॉन के नीचे, वाओ इतना इफ़ेक्टिव है ये वो, तो मैंने परचेस कर लिया। पर आई डोंट नो कि कैसे वो लोग कर लेते हैं। बाकी अगर मैं आपको खुद को दिखाऊँ, इसमें जब हम खुद थ्रेडिंग करवाने जाते हैं या खुद थ्रेडिंग करते हैं, तो जो स्किन है वो टाइट रहनी चाहिए, जिससे कि है ना स्किन उसमें आए नहीं और अच्छे से थ्रेडिंग हो जाए, सिर्फ जो हेयर है वही उसमें फंसे। बट इसमें अभी आप टाइट करने जाओगे, अगर मुझे यहाँ से थ्रेडिंग करनी है तो ये इतना एरिया तो कवर कर ही रहा है, अब मैं इसको कैसे टाइट करूँगी, अपने फोरहेड को कैसे टाइट करूँगी, नहीं हो पाएगा। अगर मैं चिक्स की बात करूँ तो भी, अगर ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, तो मुझे इसको टाइट करने के लिए पूरा खींचना पड़ेगा। और इसमें भी अगर मैं देखिए, पूरे बाल आते ही नहीं है, एक दुख के बाल आए, एक दुख के, कहाँ काम कर रहा है पता नहीं है। लोग जो अमेज़ॉन में रिव्यू देते हैं, यूज़ करते भी है कि ऐसे बस रिव्यू लिख देते हैं वहाँ पर कि इतना इफ़ेक्टिव है, इतना अच्छा है वो है, तो दिस इज़ मैंने जो रिव्यू दे दिया है आपको, ठीक है। अब आपकी चॉइस, आपको परचेस करना है कि नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।